डियर, न्यूज़पेपर में एक नया अपडेट जो है आप लोगों के लिए जारी किया गया है। ये नया अपडेट उन लोगों के लिए है जो बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर का कोर्स में जो है इनरोल करते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो है एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल जारी किया गया है। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो अगर आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप दैनिक भास्कर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, चाहोगे तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर भी जो है इसे पढ़ सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो ये जो क्रेडिट है वो दैनिक भास्कर को जाता है क्योंकि आर्टिकल उसी पेपर में आपका दिया गया था। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि तैयारी कृषि रोड मैप को बेहतर कार्यान्वयन को लेकर योजना, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। कृषि स्नातक और स्नोकतर में सीटों की संख्या 490 से बढ़ाकर 789 होगी। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया गया है कि बिहार कृषि विद्यालय के अधीन सभी महाविद्यालयों में स्नातक, स्नोकतर और PhD में छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए सीटों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश सरकार यानी बिहार सरकार ने अपने सहमति दे दी है। कृषि स्नातक एवं कृषि स्नोकतर के कुल 490 से बढ़ाकर 789 हो जाएगी। यहाँ पे आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि किसमें कितना है। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज जो है आपका सबौर है ना, या यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर के लिए पहले 62 सीट थे मैंने प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इसे बढ़ाकर जो है आपका 100 सीट कर दिया जाएगा। फिर मंडल भारती कृषि महाविद्यालय 100 सीट, मतलब जितने भी 60 या 60 प्लस सीट थे सब में 100 हो जाएंगे है ना, एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए। फिर BSc उद्यान यानी फॉरेस्ट्री जो हॉर्टिकल्चर्स है ना, हॉर्टिकल्चर्स के लिए उसमें पहले 25 था लेकिन अब हो जाएगा 50 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। सबौर में BTech जैविक प्रौद्योगिकी के 30 थे, 30 और बढ़ जाएंगे 60 हो जाएगा। एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर में स्नोकतर MSS में 104 सीट था, बढ़ाकर जो है 132 हो जाएगा। सबौर में PhD के लिए 29 सीट था, 18 बढ़ेगा तो 47 सीट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जो है 789 सीट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इसमें और अपडेट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि PhD में सीटों की संख्या जो है 47 हो जाएगी, वो तो ठीक है। उसके बाद 208 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कराई जाएगी, ये भी बोला गया। मतलब आपको हो सकता है कि 2024 यानी आपको पता है ना 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो 2025 में जो बिहार में अपना इलेक्शंस होने वाले हैं तो हो सकता है कि उस इलेक्शन से पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज भी जो है निकल सकती है। तो अगर आपने MSc एग्रीकल्चर से कर रखा है ना, तो आपके लिए, या PhD आपने एग्रीकल्चर में कर रखा है, तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 208 सीटें छोटी तो सीटें नहीं है, क्योंकि जिस अनुसार से यहाँ पे सीटें बढ़ाई गई है कॉलेज में कोर्सेज के लिए, उसी अनुसार आपका प्रोफेसर का नियुक्ति भी कराई जाएगी। तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, जो लोग MSc कर चुके हैं तो अपनी तैयारी बरकरार रखें। कभी भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको BPSC या जो भी डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो अपडेट आपको दिया जाएगा, ओके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सहयोग कीजिएगा। थैंक यू।